ओके, दिस इज टैक्स का फर्स्ट क्लास। अब आपको यहां पर जो सुनना है वो है यू नीड टू कंसेंट्रेट, बिकॉज हम यहां पर कुछ बेसिक चीज समझाने वाला है जो पूरा सब्जेक्ट में काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता है पेमेंट टू गवर्नमेंट। म्यूट कर दो, एकदम वॉल्यूम कम करो। पेमेंट टू गवर्नमेंट अगेंस्ट इनकम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। ये कोई डेफिनेशन नहीं है कहीं पर लिखा हुआ, ये हम आपको समझा रहे हैं। मतलब समझिए, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, हम लोग का पैसा से ही हम लोग का देश का भलाई में वो खर्चा करता है। तो बोलने का होता है, वो करता है कि नहीं करता तो दूसरा बात है, बट ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कुछ भी पैसा कमा रहे हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दो। दिस इज नॉट इनकम टैक्स। अब गवर्नमेंट उससे क्या करता है, ये जो बजट पेश होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, हमको इस सेक्टर में इतना खर्चा करना है, डिफेंस के लिए इतना करोड़, एडुकेशन के लिए इतना करोड़, तो ये सब पैसा गवर्नमेंट के पास आता कैसे है? बहुत जन को लगता है सर ये पैसा वो आरबीआई से छपा लेते हैं। नो, यू कैन नॉट प्रिंट मनी व्हेनेवर यू वांट। ये मनी एक फ्लो होता है इकोनॉमी में, बैंक पब्लिक को देता है, पब्लिक फिर उसको टैक्स के रूप से गवर्नमेंट को देता है, लाइक दैट इट विल कंटिन्यूअसली फ्लो। फिर तुम्हारा टैक्स से ही गवर्नमेंट उसका फिर डेवलपमेंट करता है देश का, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को सैलरी मिलता है। तो इन दिस वे द होल थिंग वर्क्स। तो टैक्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इकोनॉमी, एक देश के इकोनॉमी को चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ठीक है, अब टैक्स दो प्रकार का आता है, राइट इट डाउन, टू टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझना है। डायरेक्ट टैक्स डील्स विथ, यहां पर एक चीज लिख लो, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन्स। ये तो मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज लिखवा दिया, हर बुक में ये लिखा रहेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। चलो एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। से आप मेरे को ट्यूशन फी दे रहे हो, आई एम मिस्टर पी, हम आपको ट्यूशन दे रहे हैं, क्लासेस, यू आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेरे को बदले में फीस देता है। तो मेरा जो ये फीस कलेक्शन होता है, ये फीस कलेक्शन करके टोटल जो इनकम होता है उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है, पे पेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन दे रहा है सोमरिक? Who is paying income tax? Mr. P or students? Screen. Mr. P is paying. तो Mr. P is paying income tax, fine. Income किसका हो रहा है? Mr. P. तो यहां पर impact किसका pocket खाली हो रहा है? Mr. P के ऊपर। Government को tax कौन दे रहा है? That is incidence. Mr. P के ऊपर। Thus, income tax deals with impact and incidence falls on the same person.
तो सर ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। आई होप ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो आप लोग का, ये एकदम समझ में आ गया, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज है। जो इनकम करता है उसका टैक्स देना पड़ता है, तो उसी का पॉकेट से पैसा जाता है, वही गवर्नमेंट को खुद पेमेंट करेगा, तो इंसिडेंस भी उसी का आता है। अब सपोज मेरा जो फीस है 6,000 रुपीज, इसके साथ हम आपसे जीएसटी चार्ज करता है। ट्यूशन में अभी जीएसटी 18% के आसपास चल रहा है ना, ये जीएसटी कौन दे रहा है समरिक? ठीक से देखो, चार्ट को देखो, क्या लिखा है, जीएसटी कौन दे रहा है, फीस कौन दे रहा है? स्टूडेंट्स आर पेइंग। अब दुकान में कोई चीज खरीदोगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, यू विल हैव टू पे द जीएसटी। अब पेमेंट किसको करते हो? दुकानदार को। वैसे ही आप ट्यूशन फी के साथ बिना जीएसटी दे रहे हो, तो आप किसको दे रहे हो? मेरे को दे रहे हो। इन दिस केस इंपैक्ट किसका पॉकेट से पैसा जा रहा है? स्टूडेंट्स, वेरी गुड। लेकिन गवर्नमेंट को ये जीएसटी पता है कौन जमा देता है? हम। आप मेरे को दिया, हम गवर्नमेंट को दे दिया, दिस इज नोन एज इंसिडेंस। गवर्नमेंट को दिया जो उसका इंसिडेंस आता है, विच इज मिस्टर पी, तो ये हो गया डिफरेंट पर्सन। Therefore, ये जो जीएसटी है ये मेरा इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। सो आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझ में आ गया है। कभी भी अगर दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है, आप ये एग्जाम्पल को खोल लीजिएगा। अब अगर आप सोचने जाओगे गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, तो देखो गवर्नमेंट एक ही चीज के ऊपर दो बार टैक्स ले रहा है, एक स्टूडेंट से ले रहा है, एक हम लोग से ले रहा है। तो इसीलिए हम लोग का देश का टैक्स स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है दुनिया भर में। ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, काफी ईजी मेथड से टैक्स चलता है। यहां पर आपका काफी ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप से चला जाता है। ये तो मैंने आपको बोला मिस्टर पी जो एक इंडिविजुअल है। अगर आप इंडिया में कंपनी खोलते हो ना, आपका ऑन एन एवरेज आपका जो इनकम होगा उसका 40% पैसा टैक्स में चला जाता है। तो ठीक है, ये तो हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस करेगा, बट अभी आई होप आप लोग को ये क्लियर है। सब लोग ये चार्ट को लिख लेना। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट टैक्स में कितना प्रकार का टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल अभी इंडिया में फिलहाल एक ही है, वो है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल एक ही है, वो है इनकम टैक्स। सर और कुछ नहीं है डायरेक्ट टैक्स, पहले था अभी बंद हो गया, क्या पता जब लोग आप जॉब में जाओगे तब शायद फिर से आ जाएगा। वेल्थ टैक्स एक था, नाउ एबोलिश्ड। एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वेल्थ टैक्स क्या होता है? आपके पास कुछ स्पेसिफिक एसेट्स या वेल्थ रहता है, गोल्ड, ज्वेलरी, बिल्डिंग, ये सब, तो उसका वैल्यू लास्ट जब था वो था 50 लाख। अगर 50 लाख क्रॉस करेगा तो आपको 1% का टैक्स देना पड़ेगा ईयरली। तो इट हैज नाउ बीन एबोलिश्ड, क्या पता 3-4 साल बाद 5 साल बाद ये फिर से आ सकता है, व्हाटएवर। तो फिलहाल अभी हम लोग का एक ही है डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, वो है मेरा इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या होता है मैं आपको समझा दिया, इंपैक्ट इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। नाउ द पॉइंट कम्स, ये जो इनकम के ऊपर टैक्स देता है, ये इनकम कितना प्रकार का है हम लोग का इनकम टैक्स में, वो हमें आपको बताएगा। ये पूरा जो सोर्सेस ऑफ इनकम होता है ना, मतलब आप कहां से पैसा कमा सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप लॉटरी में टिकट में पैसा जीत सकते हो, केबीसी में पैसा जीत सकते हो। तो दीज आर वेरियस सोर्सेस ऑफ योर इनकम। ऑल दीज सोर्सेस, ऑल दीज वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्स हैव बीन क्लासिफाइड इन 5 हेड्स, अंडर 5 हेड्स, उसको हेड्स बोला जाता है। इनकम टैक्स 5 हेड्स, सबसे पहला वाला आता है
देखो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, वैसे हम क्या करता है जो चैप्टर हम पहले करते हैं उस चैप्टर का नाम पहले देता है। हम स्टार्ट करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप पहले एक बार नाम लिख लो, उसके बाद हम इसका जिस्ट समझा देगा कौन सा क्या है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वाला इनकम फ्रॉम सैलरीज। थर्ड वाला प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ वाला कैपिटल गेन्स एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जस्ट गो थ्रू द नेम्स। सबसे मजा का बात पता है क्या है, सेमेस्टर फाइव में ये पांचों आपको सीखना है, सब अलग अलग चैप्टर है। सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैन यू टेल मी, बोलो। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट तो मतलब सपोज मेरे पास बिल्डिंग है 10 लाख का, उसको मैंने 12 लाख में बेचा तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? रेंट। या ओनली वन थिंग कम्स अंडर दिस, आपका हाउस प्रॉपर्टी आपका ही रहेगा तो वहां से आपका इनकम क्या हो सकता है? रेंट इनकम। और कोई इनकम क्या करोगे वहां से? तो रेंटल इनकम जो भी मिलता है वो मेरा यहां पर टैक्सेबल हो जाता है। तो आप यहां ब्रैकेट में अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी सकते हो, या अगर आपको याद रहेगा तो यू कैन इग्नोर रेंटल इनकम। दिस चैप्टर पूरा पूरी डील करता है लैंडलॉर्ड के रेस्पेक्ट में। इनकम फ्रॉम सैलरीज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, यू आर द एम्प्लॉई ओवर हियर, यू आर गेटिंग सैलरी, तो वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज में आ जाएगा, जो कि ना अभी मोटा मोटी 70% 80% पीपल आर लाइक एम्प्लॉयड, तो वो लोग को सैलरी मिलता है बिफोर कोविड का बाद। अभी कोविड के बाद अभी बहुत कुछ हो गया, चेंज हो गया, बहुत जल्द सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। एनीवे, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज जो सैलरी मिलेगा वो लोग का यहाँ टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अभी सब लोग तो सैलरी नहीं करेगा, सब लोग जॉब नहीं करेगा, कोई बिजनेस करेगा, जैसे हम प्रोफेशनल टीचर है, कोई दुकानदार है, तो ये सब बिजनेस एंड प्रोफेशन जो करेगा वो लोग का जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स होता है वो यहां पर कैलकुलेट होगा। और फोर्थ आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब होता है अगर आप कोई एसेट्स कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेचा, वो जो प्रॉफिट हुआ That will be taxable under capital gain. ये जो residential property, जो property के बारे में बोला ना, 10 लाख का खरीद के 12 लाख में बेचा, वो 2 लाख इधर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स होना चाहिए, एसेट्स का अगर आप बेचोगे ज्यादा दाम में तो कैपिटल, लॉस में बेचेगा तो वो भी इधर में ही कैलकुलेशन हो जाएगा। सेल ऑफ एसेट्स एट प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये चार में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है। सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए, बेसिक सा एग्जाम्पल ले लो, से इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट मिला कब? बैंक में पैसा रखा तो वो इंटरेस्ट मिला, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल। आप केबीसी में गया, गेम शोज, रियलिटी शोज, वहाँ से पैसा जीता, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लॉटरीज, गेम शोज, ये सब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारा है, सिंपल सा बात है, जो ये चार में नहीं आएगा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट आपका इनकम के ऊपर टैक्स लेके छोड़ेगा, वो आपको देखना है कि वो कौन सा हेड में जाता है। अब अलग अलग हेड का अलग अलग टेक्निक, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है गवर्नमेंट ने, उसी हिसाब से हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ये सब रूल्स गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, हम लोग को वो रूल्स जान के सम सॉल्व करना है। सम मतलब
प्रैक्टिकल केस स्टडीज काइंड ऑफ थिंग, कि एक बंदा है उसका इतना घर था, उसका इतना रेंट मिला, कितना हुआ उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। तो दीज आर द फाइव हेड्स। सेमेस्टर फाइव में पता है क्या आता है, ये पांचों हेड मिला के जो टोटल इनकम होता है आपका। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको सैलरी भी मिलता है, आप छोटा बिजनेस भी करते हो, आप एसेट भी बेचा, आप लॉटरी में भी पैसा जीता और आपका रेंटल इनकम भी है। तो ये पांचों मिला के जो टोटल इनकम आता है साल में, आपका टोटल इनकम कितना हो रहा है, उसका कैलकुलेशन वो सेमेस्टर फाइव से। तो फॉर दैट यू नीड टू नो फाइव हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज वाई सेमेस्टर फोर इज इंपॉर्टेंट। फाइव हेड्स ऑफ इनकम सेमेस्टर फाइव में हम लोग को दोबारा फिर सीखने को नहीं रहेगा। तो ये हो गया मेरा बेसिक्स, फाइव हेड्स ऑफ इनकम। फिर से बता रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अभी कुछ डिस्कशन नहीं होगा, तो वो आप दिमाग से निकाल दो। अब हम तो स्टार्टिंग में बोल दिया था इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बस। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स में ना, जैसे अकाउंट्स में आपको पता है कि अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर बोल के कोई चीज होता है, कैलेंडर ईयर मतलब होता है फर्स्ट जैन से शुरू होता है 31 दिसंबर में खत्म होता है, बट फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इनकम टैक्स में क्या होता है, ऑब्वियसली यहां पर भी पूरा फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर को दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है सब समझाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मेन डिफरेंस समझिए, आप जिस साल पैसा कमाते हो उस साल को कहलाता है प्रीवियस ईयर। आपने इनकम किया दिस ईयर, सपोज यू आर पेइंग मी फीस, ये कौन सा महीना चल रहा है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी ऑफ विच ईयर, 2022। ये फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ था, तारीख 1 अप्रैल 2021। ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, वेरी गुड, 31 मार्च 2022। तो ड्यूरिंग दिस 12 मंथ्स पीरियड, साल हो गया 21-22, ड्यूरिंग दिस 12 मंथ्स पीरियड हम जितना भी पैसा कमाया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये 12 महीने का पीरियड में मैंने जितना भी पैसा कमाया है इसको हम टोटल करेंगे, कब करेंगे, 31 मार्च को। टोटल करने के बाद ये फाइव ईयर्स ऑफ इनकम सब मिला के जो इनकम आता है उसके ऊपर हम टैक्स पेमेंट कब करेगा, हम लोग पेमेंट करेगा नेक्स्ट ईयर 2022-23। दिस इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और ये जिस साल हम पैसा कमाया है उस साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। तो फिर से बता रहा है असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है जिस साल आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हो, आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन का दूसरा टर्म ही तो होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या हो रहा है, असेस करना, कैलकुलेशन करना कि आपको कितना टैक्स देना, ये कब होता है, नेक्स्ट ईयर, जिस साल कमा रहे हो उस साल। इज दिस क्लियर, प्लीज ये कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि यही मेरा बेस है, इसके बिना हम लोग हर चैप्टर में ये काम आएगा। जिस साल हम लोग पैसा कमाते हैं उसका नेक्स्ट ईयर टैक्स पेमेंट करते हैं, 31 मार्च रात को 12 बजे तक हम जितना भी पैसा आया मेरा वो हम लिख के टोटल करेंगे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में टोटल करके उसका टैक्स कैलकुलेशन करके नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करेंगे। और वो उसका एक डेट होता है, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग का डेट होता है नेक्स्ट ईयर का 31 जुलाई। दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर कंपनी इट इज 30 सितंबर। ये होता है रिटर्न फाइलिंग डेट, गवर्नमेंट को इस तारीख के अंदर आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जमा करना पड़ता है और टैक्स भी देना पड़ता है। इसके बारे में और डिटेल्स में जाएगा बाद में, डोंट नीड टू वरी, फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है ना, तो एक काम करते, एक छोटा सा
एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग का ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, शॉर्ट फॉर्म में PY एंड AY. तीन कॉलम बनाओगे आप, डेट ऑफ इनकम, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर. स्पेलिंग देख लेना असेसमेंट ईयर का. ठीक है. चलो, डेट ऑफ इनकम में हम आपको रैंडमली कुछ इनकम का डेट दे रहे हैं. पॉइंट नंबर ए में आप डालोगे 1 अप्रैल 2019. प्रीवियस ईयर असेसमेंट का भी खाली छोड़ो, भरेंगे थोड़ी देर बाद. पॉइंट नंबर बी 31 दिसंबर 2018. पॉइंट नंबर सी 15-1-2020. पॉइंट नंबर डी 31 मार्च 2017. पहले आपको पहला वाला हम आपको करके दे रहे हैं, लिख लिया ना. पहला वाला क्या बोला है, 1 अप्रैल 2019. 1 अप्रैल 2019 को आप इनकम किया, ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ, कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ, 19. 1 अप्रैल में शुरू हुआ साल, खत्म होता है मार्च 20 में, तो ये हो जाता है मेरा 1920 प्रीवियस ईयर. तो इस साल हम जितना भी कमाएगा उसका टैक्स हम कब देगा, इसका असेसमेंट ईयर कब होता है, उसका जस्ट नेक्स्ट ईयर 2020-21. अंडरस्टूड राइट. तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम, ट्राई टू सॉल्व बी सी एंड डी ऑन योर ओन, फिर हम स्टार्ट करेगा. सो 31 दिसंबर 2018 मतलब ये प्रीवियस ईयर 18-19 हो रहा है, इसका टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर में देगा. सी नंबर में देखो 15 जनवरी 2020, 2020 का फाइनेंशियल ईयर अगर होता है शुरू होता है अप्रैल से, लेकिन ये जनवरी 2020 है, मतलब ये 1920 हो गया. 2019 अप्रैल में शुरू हुआ, 31 मार्च 2020 के अंदर में ये डेट आ जाता है, तो इसके असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2021. 31 मार्च 2017 कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ, 17-18 होता था. 17 का 1 अप्रैल से साल स्टार्ट होता है, ये 31 मार्च है, दिस इज द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर. 16-17 और 17-18, बी वेरी केयरफुल, सिंपल है. January 2016, F 54-2017, 19-2019. जल्दी से इसको बनाइए. सो 1 जनवरी 2016 कौन सा प्रीवियस ईयर है, वेरी गुड राइट सुमरिक. तो असेसमेंट ईयर बहुत इजी हो जाता है 16-17. 5-4-17 वेरी गुड. तो 18-19 1-9-19 श्योर ना, 19-20 20-21. सो आई होप ये पूरा क्लियर है, हम लोग के एकदम बेसिक्स था. अब तुम बोलोगे सर ये सीख के क्या फायदा होगा, क्यों फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रहे, ये जैसे कि हम लोग का चल रहा है 2021-22,
ये चल रहा है हम लोग का करंट प्रीवियस ईयर, ये 31 मार्च 2022 तक चलेगा। अब तुम बोलेगा सर हम तो इस साल पैसा कमा रहे तो हमको टैक्स कब देना पड़ेगा, हम बोलेगा इसका टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। तो सर हमको तो सिर्फ 21-22 और 22-23 से मतलब है। अच्छा भाई तुम जब पास हो जाएगा तो क्या तुम इनकम टैक्स नहीं देगा गवर्नमेंट को? तुम बोलेगा ना मेरा तो सिलेबस में था, हो गया बस अभी हम क्यों देगा। नो, ये पूरा जिंदगी में काम आएगा और सिर्फ आपका नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से सीख लोगे बीकॉम के बाद आप किसी का भी रिटर्न फाइल कर सकते हो और उसमें आपको रोजगार भी मिलता है। आई फाइल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 7-8% ऑफ दिस एरिया, दे डजंट हैव अ सिंगल आइडिया अबाउट व्हाट इज इनकम टैक्स। तो लोग हम गाइड दे देते हैं, दे पे मी प्रोफेशनल पेमेंट्स। तो ये आप लोग भी बन सकते हो अगर आपका यहाँ पर नॉलेज अच्छा हो जाएगा। तो कोई डिग्री होना जरूरी नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, कोई डिग्री होना जरूरी नहीं है। कंसल्टेंसी सर्विस इतना सारा खोलता है इनकम टैक्स के बारे में गाइडेंस, जीएसटी के बारे में गाइडेंस, नॉलेज होना ही जरूरी है, कोई डिग्री होना जरूरी नहीं है। तो आप ऑफिस में जॉब करो उसके साथ ये सब साइड में भी कर सकते हो। तो नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट। बाकी अकाउंट जो सीखा है उसके बदले में आपको कोई अच्छा खासा पैसा नहीं मिलेगा, कोई अकाउंट आपको करने नहीं देगा, डिग्री होना जरूरी है उसमें, बट इनकम टैक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा अब क्या होता है ना कि आपका कोई क्लाइंट आता है बोलता है सुनो ना मेरा ना 3-4 साल पहले मेरा एक जमीन था, वो जमीन हमने बेचा था जिसमें ना मेरे को ना 1.5 करोड़ में बेचा था, इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा कि उसके मेरे को टैक्स देना है। बोलो तो टैक्स देना है कि नहीं देना है? देना है तो कितना देना है? तुम बोलेगा वो पुराना है मैंने वो नहीं पढ़ा, हम तो अभी पास आउट किया 2018 में, हम थोड़ी कॉलेज में आया था, हम आपका ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी बोलोगे। तो यू नीड टू नो वो 18-19 प्रीवियस ईयर आ जाता है तो उसका रूल क्या था, पूरा इंटरनेट में सर्च करो या 1890 का इनकम टैक्स का बुक निकालो, उसमें आपका क्या रूल था आपको पूरा मिल जाएगा। हर साल ये इनकम टैक्स का रूल्स थोड़ा चेंज होता है, बजट में चेंज होता है, फाइनेंस एक्ट लाता है उसमें हल्का फुल्का चेंज आता है। ओके, तो इसीलिए वी नीड टू नो दिस थिंग्स, बट बेसिक्स इनकम टैक्स का सेम ही है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ये जो चैप्टर्स मैंने 5 heads of इनकम बोला, ये मोटा मोटी सेम है, हल्का फुल्का चेंजेस आता जाता है, वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट वेरी करता है। कोई नया गवर्नमेंट आता है उसको फिर से चेंज करेगा, फिर पुराना गवर्नमेंट फिर से आ जाता है तो वो फिर से हटा देता है। लाइक दिस हैपेंस।